गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये सुबह का टाइम है, तो मैं आज उठ गई हूँ 4:30 बजे और मैंने बनाया छोला और आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा खाना सब बन के रेडी हो रहा है। यहाँ मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ, राइस भी बना दिया है और ये आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने सारा कुछ बना के रख दिया है क्योंकि मेरी ननद और मेरी भांजी सभी लोग आते हैं, इसलिए मैं खाना सारा रेडी करके रख दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है अपने मायके इलाहाबाद। तो यहाँ पर मैं सारा खाना अपना बना के रख दी थी सभी के लिए और मैं निकल चुकी हूँ रास्ते में अपने मायके के लिए। तो ये लगभग 9:15 बजे का टाइम था, तो बस अब निकल चुके हैं क्योंकि मुझे भी अपने भाइयों को राखी बांधना था और मेरे भाई वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आ गई, ये मेरे पापा हैं, मैं इनका आशीर्वाद ले रही थी क्योंकि आज रक्षाबंधन के दिन मेरा जन्मदिन भी है, लेकिन इस बार मैंने तारीख के हिसाब से अपना बर्थडे मनाया था। यहाँ आके मेरा मन आज बहुत दुखित था, सच में मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं रोई नहीं अपनी माँ के सामने। मैं कहा यदि मैं रोऊँगी तो मेरी माँ रोएगी आज त्यौहार के लिए, इसलिए मैं नहीं रोई। अंदर ही अंदर घुटन थी, दुख था, लेकिन मैंने दर्शाया नहीं अपने माँ के सामने। तो यहाँ पर ये देखिए मैं राखी बांधने की सारी तैयारी कर चुकी हूँ, तो बस अपने बड़े भाई को बुला रही थी। मैं कहा आ जाओ भैया, चलो राखी बंधा लो। और ये राखी का पर्व सच में भाई बहनों के प्रेम का दिन है। ये एक ऐसा दिन होता है जो सच में एक भाई बहन का दिन होता है, प्रेम का दिन होता है। मानो तो रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं आपसे बता दूं, और लोगों की तो मैं नहीं जानती हूं, पर मैं बचपन से ही रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाती आई हूं। मेरे भाई नहीं था और मैं अकेली थी, सभी बहनें राखी बांधती थी अपने भाई को और मेरे भाई नहीं था, तो मैं बहुत रोती थी रक्षाबंधन के दिन। मैं अगल बगल में लोग थे, आंटी लोग कहती थी आओ बेटा मेरे बेटे को राखी बांध दो, पर मैं नहीं बांधने जाती थी। मैं भगवान से ही मनाती थी मेरे जब भी भाई होगा तभी मैं राखी बांधूंगी, बाकी मैं और किसी को राखी बांधने नहीं जाऊँगी। फिर भोलेनाथ ने मेरी सुन ली और मेरे को मेरा भाई दे दिया। मैं इतनी खुश हुई थी कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश थी। वो लम्हा, वो पल आज भी मैं याद करती हूँ। ये मेरा बड़ा भाई है जो मतलब भगवान के आशीर्वाद से ही मुझे मिला था राखी बांधने के लिए। मैं भगवान के सामने बहुत रोती थी, तो कहते हैं ना भगवान सच्चे मन से मांगो तो भगवान सुन लेता है। फिर ये मेरा भाई हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे। तो मैं इस त्यौहार को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ, भगवान से यही सोचती हूँ मैं जहाँ भी रहूँ लेकिन इस दिन अपने भाई के घर ज़रूर पहुँचूँ राखी बांधने, और मेरे भाई का प्यार और प्रेम मेरे लिए बना रहे, मेरा भाई सुख से रहे, खुश रहे, मेरे मायके में सभी लोग खुश रहें, बस यही भगवान से दुआ है। पापा तो मेरे नहीं हैं, माँ है, बस मेरे माँ का आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर, वो स्वस्थ रहे, क्योंकि अभी माँ बाप का साया जाना नहीं चाहिए था लेकिन पापा चले गए, माँ हैं। भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि माँ का आशीर्वाद बना रहे हम लोगों पर, क्योंकि इन्हीं में बाप भी हैं, ये माँ भी हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बड़े भाई को राखी बांध दिया और अभी छोटा वाला बच्चा है, और छोटा भाई मेरा बड़ा चुलबुला है, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, बहुत बदमाश है, नटखट है जिसको कहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने राखी बांध दी अपने भाई को। मेरी आंखों में आंसू भी था लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, कहीं ना कहीं पापा की कमी मुझे खल रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने माँ के सामने नहीं दिखाया कि हाँ मुझे दुख है, तकलीफ़ है, क्योंकि मेरी माँ रोने लगती है और उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी इस समय, इसलिए। तो बस यहाँ पर ये छोटा भाई आ गया, मेरा नटखट, कहते हैं ना बहुत ही नटखट है ये छोटा वाला भाई, है बहुत बदमाश है, मेरे ही तरह बोलने वाला है ये भी, मैं जैसे बहुत बोलती हूँ
और चुलबुली हो ऐसे ही है, मेरा छोटा वाला भाई भी बहुत चुलबुला है। तो यहाँ पर ये देखिए अब इनको मैं राखी बांध रही हूँ, तो ये बहुत बोलता रहता है। तो बस यहाँ पर आरती उतारा और अब राखी भी इसको भी बांधूँगी। और मेरी दोनों भाभियाँ नहीं हैं, वो भी अपने मायके चली गई हैं 2 दिन पहले ही अपने मायके राखी बांधने। भाई उन लोगों के भी भाई हैं, उन लोगों को भी जाना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर हम और मेरे दोनों भाई, मेरी माँ और मुझे लेके मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। वो बैठे हुए एक किनारे, उनसे मैंने कहा फ़ोटो खिंचा लो, वो कहते हैं मैं भाई बहन के बीच में कहाँ आऊँगा। मैंने कहा सही कह रहे हो। तो वो बैठे हुए थे लास्ट में, फिर उन्होंने फ़ोटो खिंचाया ही था जो है। तो यहाँ पर ये देखे मैं दोनों भाइयों के बीच में खड़ी हूँ। बस इसी तरह भगवान हम तीनों का प्रेम बना रहे। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए, मेरी माता जी, तो ये फ़ोटो शूट किया मेरे भाई ने। चलिए अब आपको मैं अपने मायके का घर दिखाती हूँ। मैंने एक दो बार आपको वीडियो बना के भेजा था, लेकिन कई लोगों का मन था कि आप अपने मायके का घर दिखाइए, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं दिखाती हूँ। तो ये रूम मेरी माँ का है, मेरे पापा मम्मी का अलग अलग रूम था। जो बैठका था उसमें पापा रहते थे और इधर ही मेरी माँ का था। बुआ लोग आ जाते थे इनसे कोई भी, तो मम्मी के कमरे में रहते थे। ये पूरा बरामदा है बड़ा, मेरे पापा ने बहुत ही खूबसूरत घर बनवाया था, बहुत ही बड़ा। तो ये किचन मेरे बड़े छोटी भाई, ये हमारी छोटी वाली भौजाई का ये किचन है। यहाँ पर यही छोटी भाभी का रूम है, वो है नहीं, समय मायके चली गई है, सब लोग अपना राखी बांधने। और ये देखिए ये छोटी भाभी का कमरा है, ठीक है। और इधर मेरी मम्मी का है, धरोहर रहता है। तो यहाँ पे ये सारा सामान वामान अपना गृहस्थी का सारा खुश रखते हैं, ये यहाँ रहता है। और किचन है ये बड़ी भाभी का है, लेकिन लाइट बंद है। ये बड़ी वाली भाभी का है किचन जो है, ये उनकी गृहस्थी, यहाँ पर सारा कुछ रहता है। ये देखिए, तो ये भी नहीं है इस समय, ये भी अपने मायके चली गई हैं राखी बांधने जो है। तो घर पूरा खाली है, सिर्फ भाई हैं और हमारी माँ है। और इधर इनका स्टोर रूम है, ये रूम है इनका, ये देख लीजिए। तो इस समय भतीजी भतीजा भी हमारे नहीं होते तो आफत मचाल। बबलू बहुत ज़्यादा नमी दीवार में हो गई है, ऐसे हमारे यहाँ हो गई है पूरी पूरी ऐसे ही दीवार में नमी हमारे यहाँ हो गई है पूरा दीवार। तो बस यहाँ पर सबको राखियों की बांध देने के बाद और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब आप लोग सवाल करोगे कि आप खाना बना रही हो मायके में जाके, पर कोई बात नहीं यार, अच्छा लगता है ना। अब भाई भाभी लोग अपने मायके गई हैं अपने भाई को राखी बांधने, मैं भी आई हूँ अपने भाई को राखी बांधने। वैसे ही मेरा भाई सारा खाना बना रखा था, आलू टमाटर सब्जी, पनीर और ननुआ की सब्जी मेरे हस्बैंड के लिए बनाई थी मम्मी मेरी, चावल। तो यहाँ पे आटा लगा के सिर्फ रखा था, वो इसलिए रखा था कि पता नहीं पूड़ी खाएंगे कि रोटी खाएंगे। तो हम लोग पूड़ी बहुत कम पसंद करते हैं। तो भाई मेरा कहा लाओ हम बना दें, मम्मी कहे लाओ, उन्होंने कहा नहीं मम्मी मैं हूँ ना तो बना दूँगी। तो बस जस्ट यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। और फिर मायका हो जाए ससुराल है तो अपना ही घर है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, अपना घर है। फिर भाभी नहीं है, भाभी लोग, वैसे मेरे भाभियों की एक खासियत है, मुझे जब भी मायके जाती हैं वो लोग मुझे खाना नहीं बनाने देती हैं ना कुछ काम करने देती हैं। ये चीज़ तो मेरे भाभियों में एक खासियत है, वो कुछ नहीं कहेंगे करने के लिए, मैं ज़बरदस्ती कहूँगी वो ये कर दो कर दो, लेकिन कहेंगी नहीं दीदी आप बैठिए, क्योंकि मैं बड़ी हूँ और मैं ये नहीं सोचती कि हाँ छोटी बड़ी मैं ननंद हूँ क्यों करूँ ना, मेरे अंदर ये सब कुछ नहीं है। मैं अपना लग जाती हूँ, जो मुझे दिखा मैं करने लगूँगी, कर दूँगी हड़का। तो आज भाभी नहीं थी इसलिए मैं रोटी बना रही थी, और भाई मैं हूँ तो मेरी माँ बनाए मेरे सामने तो ये अच्छा भी नहीं लगता, और मेरा भाई बनाए ये भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस यहाँ पर देखिए रोटी हमारी बन रही है गरम गरम। और मेरे हस्बैंड चले गए थे थोड़ा इलाहाबाद, उनको कुछ काम था बड़े वाले भाई के साथ, छोटा वाला भाई था। तो मैं फिर गरम गरम रोटी बना रही थी, क्योंकि छोटा वाला भाई ना
गरम ही गरम रोटी खाता है। तो हमने कहा चलो हम बनाते हैं, तुम खा लो बैठ करके। उसके बाद रोटी बनाने के बाद फिर हमने खाना भी खाया दोनों लोग साथ में, भाई बहन और मम्मी भी। सच में मायके आओ ना तो अपना बचपन याद आ जाता है ना, लगता है यार यहाँ मतलब मेरा बचपन बीता, मेरा सब मतलब बहुत यादें हैं यार घर में। सबसे बड़ी यादें मेरे पापा की हैं। सच में घर में सब लोग हैं, घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके बगैर, घर बिल्कुल खाली लगता है, ऐसे लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। जैसे एक मंदिर में देवता ना रखो तो मंदिर बेकार है, उसी तरह घर में मेरे पापा एक देवता की तरह ही थे। नाम की देवता नहीं, उनके सारे काम भी देवता की तरह ही थे। बहुत अच्छे थे मेरे पापा, बहुत सीधे थे। सच में मैं आपसे क्या बताऊँ, आप लोगों को तो जब मैं ब्लॉग बनाती थी, नहीं बनाती थी जब मेरे पापा जिंदा थे, बनाती थी पर इतना मुझे दिमाग नहीं था, नहीं मैं अपने पापा से की बोली भाषा आपको गाने उनके ज़रूर वीडियो बना करके, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भगवान ऐसे मेरे पापा को छीन लेगा बीच में, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। नहीं मैं उनकी यादें संजो के अपने वीडियो में रखती, लेकिन मुझे क्या पता कि भगवान अचानक से मेरे पापा को ऐसे ले लेगा। याद करती हूँ तो दिल बहुत दुखित हो जाता है सच में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जन्म मरण अपने हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में होता है ना। और इस समय परिस्थितियाँ मेरे ससुराल में भी ठीक नहीं चल रही है, सास की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए आप लोग मुझे देख रहे होंगे मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी सूट पहन के वहाँ से निकल आई हूँ, कुछ भी तैयार होके नहीं आई हूँ, बस ऐसे ही सूट पहना, जो पहनी थी वही पहन के चली आई हूँ। इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं सवेरे से, क्योंकि मैं 4:30 बजे उठी थी अपने ससुराल में, सारा खाना पीना बना के उसके बनाते खिलाते सबको 9 बज गया था। फिर मैंने कहा साड़ी पहनूंगी बहुत टाइम हो जाएगा, जल्दी जल्दी से मैंने सूट पहना और मैं निकल आई। और अब मैं छत में जा रही हूँ, मम्मी कह रही चलो गुड़िया तुमको छत दिखा लाए, तो बस यहाँ पे छत में आ गई हूँ ये देखिए, और काफ़ी बड़ा छत है ये देखिए। तो ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग मायके का, सुखा प्रबंधन का, कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अरे काहे का पेड़ है ये, हमरो कहती है जो तो लाइक दीजिएगा, कोई टैक्स कोई पैसा नहीं। तो यहाँ पे मेरा बड़ा भाई देखिए दही बड़ा और टिकिया भी ले आया था, यहाँ पे सभी लोग खिला रहा है, मुझे कह रहा था मेहमान हो क्या बोलो सबको, बदमाश है ये, कहता तुम मेहमान नहीं हो, मेहमान दीजिए। तो बस वही निकाल रहा था, सबको दे रहा था। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, जो नए भाई बहन है चैनल को सब्सक्राइब करना। आ जाइए आप भी दही बड़ा और टिकिया खा लीजिए, रखते आई नहीं हूँ।